साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना की घोषणा करी गई और जैसा कि 10 साल के सरकार के कार्यकाल में बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोई संवाद, कोई चर्चा, कोई डिस्कशंस इसको लेकर किए नहीं गए और एक तरफा निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जो भर्ती फौज की होगी, डिफेंस फोर्सेस की होगी, उसको अग्निपथ के माध्यम से किया जाएगा। कहा यह गया कि सेना की जो औसत आयु है वो ज्यादा हो रही है, उसको कम करना है। कहा यह गया कि हम लोगों को अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है, लेकिन मोटे तौर पर देखने में आया है कि ये जो योजना का क्रियान्वयन किया गया ये मूलतः पैसा बचाने के लिए किया गया। डिफेंस एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है और कहा जाता है कि अब कल ये परसों कहा गया कि हम डिफेंस एक्सपोर्ट से बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये भी कहा गया कि हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, हम इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अगर हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट को इतनी आमदनी हो रही है और हम लोग इतने सक्षम हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि हमारे जो शौर्यवीर सैनिक हैं उनके जीवन के लिए, उनकी भर्ती के लिए, उनकी नौकरी, पेंशन, परिवार की सुख सुविधाओं के लिए हम लोग संसाधन को जाहिर करें। ये अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये योजना लॉन्च हुई उसी समय से हम लोगों ने विरोध किया था, क्योंकि हमें लगा 4 साल की नौकरी देने के बाद सिर्फ 25% लोगों को स्थायी रूप से फौज में भर्ती किया जाएगा, 75% लोगों को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी कहा जा रहा था कि 10% की पैरामिलिट्री जो है, आर्म फोर्सेस सीएपीएफ है, उसमें उनके लिए आरक्षण दिया गया है, लेकिन जो एक्स सर्विसेज के लिए जो ऑलरेडी रिजर्वेशन है उसमें सिर्फ 2.49% सरकारी पद भरे गए हैं। जो पूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित हैं अब तक, उसमें सिर्फ 2.49% पद भरे गए हैं। फिर कहा गया कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस करेंगी कि जो 75% अग्निवीरों को हम छोड़ देंगे वो कहां अब्सॉर्ब होंगे। एक आध राज्य ने किया है, बाकी राज्यों ने किया नहीं। बेसिकली जो लोग 4 साल की नौकरी के बाद एक कम उम्र में रिटायर हो जाएंगे, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं, उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, उनको ग्रेच्युटी जो 11 लाख रुपए की दी जा रही है उसका भी जो आधा पैसा है उनकी तनख्वाह से कट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हम लोग अपनी सेना की भर्ती की जो प्रक्रिया है उसे खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके बारे में आपको तिपेंद्र जी बताएंगे, जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लगभग 2.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4,100 करोड़ खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8,400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है और इस वर्ष सरकारी इश्तिहार के लिए, सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेज इन द वर्ल्ड, आर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेज आर सेकंड टू नन, बट देयर वैलर, देयर स्ट्रेंथ एंड देयर डेडिकेशन टू द नेशन शुड बी रिगार्डेड एंड रिस्पेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। एंड वी ऑल फील दैट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज, इट मे नॉट आर्ग्यू वेल फॉर आर फ्यूचर एंड फॉर द फैमिलीज ऑफ दोज पीपल हु हैव विलिंगली डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द सर्विस ऑफ द नेशन। तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। और अभी जो राष्ट्र अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा, लेकिन हमें मानते हैं कि जो
भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ है जो हमारे वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में।